अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको टिशू गले लगाने का सबसे आसान तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले इसकी साइडों को इस्त्री से फोल्ड करके अभी मैं पिन से इनको अच्छी तरह से चिपकाऊँगी। सेंटर मैंने कर लिया था गले का, अब सेंटर में सारी पिनें पहले एक बार लगा के इसका सेंटर कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने सेंटर के बाद साइडों को भी फोल्ड करके साइडों पर भी इसकी पिनें अटैच कर ली हैं ताकि सिलाई करते हुए ये अपनी जगह से हिले नहीं। अभी साइडों को भी मैंने पिन अप कर लिया है, ये सारा हो गया है पिन अप। अभी मैं इसके किनारियों पे सिलाई लगा लेती हूँ पूरा शुरू से एंड तक। इसकी सिलाई बिठा लेती हूँ। इस तरह से इसको चारों साइडों से फुल सिलाई कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी नैना ब्यूटी फैशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अभी साइडों वाली पिनें उतार के मैं इधर साइड के बिल्कुल पास लगा लेती हूँ, दरमियान में इनको लगा लेती हूँ ताकि अगर मैं गला लगाने लगूँ तो दरमियान में से ये हिलने ना पाए। बाकी की जो एक्स्ट्रा पिन है उनको मैं उतार लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने चेपी के साथ गला बना के उल्टी साइड पे चिपका लिया है, ये सीधी साइड और ये उल्टी साइड। अब इसके सेंटर में से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लेती हूँ, बिल्कुल करीब करीब में से इसको काट लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत इजी और आसान तरीके से आपको मैं ये लगाने का तरीका सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया पसंद आएगा और समझ भी आएगी। जितनी जहाँ तक चेपी लगी हुई है वहाँ तक आधा इंच छोड़ के बाकी मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। अभी मैं पाइपन लगा लेती हूँ मैचिंग की, सीधी साइड पे लगाऊंगी चेपी के बिल्कुल करीब करीब के साथ से लगाऊंगी। इस तरह से एंड तक लगाती जाऊंगी। यहाँ नीचे से ख्याल करें कि सिलाई ख़राब ना होने पाए, यहाँ से बिल्कुल आराम से बराबर करके पाइपन को लगाना होता है ताकि ये कोना बिल्कुल बराबर बने। इस तरह से मैंने पूरी पाइपन लगा ली है। अभी एक्स्ट्रा पाइपन काट लेती हूँ, ऊपर वाली साइड से इसको इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ के बराबर करके फिर इसकी सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से बराबर कर लेती हूँ। अभी यहाँ अपने हिसाब की मैं पतली सी पाइपन छोड़ के बिल्कुल करीब से एक सिलाई लगाती हूँ जो पाइपन और शर्ट के बिल्कुल दरमियान में होगा। ये सिलाई नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये पाइपन और शर्ट के बिल्कुल सेंटर में होगी, इसलिए ये नज़र नहीं आएगी। इस तरह से इसको मैं एक सिरे से लगाना शुरू करूंगी, दूसरे सिरे तक ये सारी पाइपन बिठा लूंगी। अक्सर ये टिश्यू वाले गले लगाने का मसला ये होता है कि ये हिल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और सफाई नहीं आती है। मैंने जिस तरीके से आपको ये समझाया है कोशिश की है कि आसान तरीके से समझाऊं, आसान भी हो और बहुत कारामद भी हो। इस तरीके से जब आप लगाएंगी तो आपकी बिल्कुल भी टिश्यू नहीं हिलेगा अपनी जगह से, हर चीज़ अपनी जगह बैठी हुई होगी। अभी इस तरह से नीचे मैं एक कपड़ा लगा लूँगी, इसको भी एक दो पिने लगा के बिठा लेती हूँ ताकि ये हिलने ना पाए।
तरह से इनको आपस में मिला के सिलाई कर लूँगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। अगर वीडियो की समझ ना आए तो इसे रिपीट करके भी देख लिया करें। अभी दूसरी सिलाई एक पाँव के हिसाब से लगा लेती हूँ। एक पाँव के हिसाब से लगा रही हूँ, बिल्कुल बराबर ऊपर तक लेके जाऊंगी। जहाँ जो पेने बची हुई हों उनको साथ साथ उतार लेना है। इस तरह से मैंने ये सारी पूरी कर ली। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। ये लुक है, अभी फाइनल लुक मैं इस कुर्ती की कंप्लीट आपको दिखा दूंगी कि इसको सिलाई के बाद इसकी क्या शेप आएगी। बहुत आसान तरीके से लगाने का तरीका मैंने समझाया है। ये देखें, ये कंप्लीट हो गई है कुर्ती, इसकी कंप्लीट शक्ल है। इसी तरह का टिश्यू हमने बाजू के आगे भी लगाया है, बिल्कुल इसी तरीके से लगाया है जैसे मैंने गले पे लगाने का तरीका बताया है। बटन लगा के अभी ये टिश्यू बिल्कुल इसके साथ का लग रहा है।